आप तो हमारे भगवान भगवान तो भगवान ही होता है। रात को बोल रही थी पैसा भी मिलेगा जाते हैं। आपने तो बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सव्या एक्चुअल में नेपाल छोड़ के गई है क्या। आप प्रोफेसर लग रहे हो, वो जो बेला चाओ बेला चाओ बनिया इसका। हाँ। ये मेरे का पूरी तरह से पक चुकी थक चुकी है, मेरे को कम से कम 6-7 दिन से बोल रहे हैं कि मेरे को डाइट तोड़ना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जो चैलेंज वाला ब्लॉग था वो आप लोगों को पसंद आया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ऊपर। लास्ट ब्लॉग करने के बाद में हम लोग आज भी चैलेंज करने वाले थे, मगर मीनका की तबीयत हो गई है थोड़ी सी खराब, और आज एक्चुअली शॉप में बहुत सारा काम भी है, बहुत सारा काम। ऑलमोस्ट 10:30 बज गया है, हम लोग लेट जा रहे हैं क्योंकि मेनका को थोड़ा सुबह आराम की जरूरत थी। ऊपर से आवाज़ आ रही है ना, ये मेरा वीडियो चल रहा है, मेरे को पता चल रहा है, क्योंकि ऊपर टीवी में ना मामा देख रहे हैं और मामा अकेले देख रहे हैं। मैं दिखाता आपको, हेलो मामा। ये देखो मामा कैसे वीडियो मजा आ रहा है। तो कल का पूरा दिन ना इसी काउच पे बैठ के निकल के, मैं शॉप नहीं गया था कल, घर पे बैठ के एडिटिंग कर रहा था। ब्लॉग जल्दी बन जाते मगर ये चैलेंज वाले वीडियो है ना बहुत टाइम ले लेते, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐड करना पड़ता। रात को मैं सोते सोते ऑलमोस्ट 2 बज गए थे। तो आज का खाना मैं तो भुर्जी खा रहा हूँ, मेन का भुर्जी नहीं पसंद है तो मैं इनका बॉयल एग खा रही है। ये मेरे का पूरी तरह से पक चुकी थक चुकी है, मेरे को कम से कम 6-7 दिन से बोल रहे हैं कि मेरे को डाइट तोड़ना है, चीट डे करते डाइट तोड़ना है। मैंने फिर भी खिंचवा लिए इसे 15-16 दिन, मगर रिजल्ट आया क्या नहीं तुमको? मस्त आया रिजल्ट, तो मेरा पेट ना एकदम चपाक हो गया, चपाक। मेरे पर रिजल्ट दिख रहा है क्या नहीं तुमको? बहुत ऑब्वियस, आपका ये सब गया। फिर भी मैंने 20 डेज किया। कहाँ 20 डेज? 17 डेज है ना, 16 दिन इसका, 16 था 17 है मेरा, इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा। आज का दिन मैंने काउंट करना छोड़ दिया, मगर मेरे को इतना पता है मेरे को जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं तब तक करते रहूंगा। ये इतना वाव नहीं रहता खाने के लिए, बट खाना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो, क्योंकि कोई भी चीज में रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। अभी हमको अपने आप को अच्छा बनाना ही है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, कितना भी ये सब खाना पड़े हम हंसी खुशी खाएंगे एकदम दबा के। कितना लेट करते हैं? लेट हो गया ना ऑलरेडी, बहुत लेट हो गया बाबा, आप डेली लेट करते। मैं तो डेली लेट करता हूँ। बड़ा कंफ्यूजन है यार, पहले आप अंदर जाओ, खुद को लॉक करो, फिर आपके पास जो की है उससे आप यहाँ का लॉक खोलो। खोलूंगा है ना, फिर ये बंद करूंगा। कितना ताला है घर पे। आप प्रोफेसर लग रहे हो, वो जो बेला चाओ बेला चाओ बनिया इसका। हाँ, सो क्यूट। हाँ, आज मैं सोचा थोड़ा क्यूट बन के जाओ शॉप में, लड़की लोग आते हैं थोड़ा मेरे को ऐसा। लड़की लोग के लिए नहीं, ये सब मेरे लिए करते हैं ताकि मैं बोर ना हो जाऊं। ले ले, अभी असली प्रोफेसर बन रहा हूं मैं, बैंक लूटने जा रहा हूं। शॉप के लिए तो निकले हम लोग, मगर ये देखो पूरा यहाँ तक मेनका लाके छोड़ी। मेनका कल स्कूटी चला रही थी ना, मेनका पेट्रोल क्यों नहीं भरती? बहुत बिजी थी ना कल, आते आते रात को लेट हो गया। आते आते रात को लेट हो गया, और उससे पहले जब मेरे पास टाइम था मैंने भरी नहीं। उससे पहले कुछ भी बोलते नहीं, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, ये पंप तक भी पहुंचेगा या नहीं इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। बीच में धक्का मारना पड़ा तो बता दूंगा आपको। थैंक गॉड बनने हुआ। नेपाल में पेट्रोल का प्राइस 160 रुपया हो गया है, 160 रुपया प्रति लीटर। 800 रुपया लगा टाकी भरने के लिए, पूरा एम्प्टी था, मगर यार 160 रुपया बहुत होता है यार। तो फाइनली शॉप आ गए हम लोग। शॉप में आते ही एक बैड न्यूज, सबसे बड़ा बैड न्यूज देखो, ये देखो ये हमारा सनफ्लावर मुरझा गया पूरा। तुम्हारे राज में क्या हो गया, एक दिन शॉप में नहीं आया तो? वो एक दिन तुमको देखा नहीं ना तो वो मुरझा गया। हाँ, कल आप आए नहीं ना इसलिए वो ऐसा हो गया। एक दिन में, आज 2-3 दिन नहीं आऊंगा तो सब फूल ऐसे हो जाएंगे। इतना बड़ा फूल है इसका क्या होएगा? मैं भी तो कल मुरझा गई थी ना। हा? आपने तो बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सव्या एक्चुअल में नेपाल छोड़ के गई है क्या, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। कल रात में उसने बोला कि 9 को जाऊंगी और आज 8 है और आज ही चली गई। स्टोरीज देख रहा हूँ कि आज चले गई यार बिना बोले। सव्या बहुत गुस्सा हूँ मैं तेरे से यार, बहुत ज्यादा गुस्सा। आपसे बात बात नहीं करना है, आपसे नहीं बात करूंगा मैं सव्या के साथ में, बिना बोले चले गए यार। काठमांडू में भी थी एक्चुअली 1-2 दिन से, शायद मेरे को लगता है कब आती कब जाती पता ही नहीं चलता यार। लास्ट टाइम बोला था उसने कि आऊंगी तो बताऊंगी। मैं नहीं बात कर रही हूं कट्टी। सव्या अगर ये वीडियो देख रही है ना, मैं नहीं बात करने वाला तेरे से यार, तू यार बिना बोले चले गए यार। मगर जोक सपाट जो भी है, बहुत ज्यादा खुश उसके लिए, नया अपॉर्चुनिटी नया स्टार्ट नया लाइफ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा किया पर उसने बहुत बुरा किया बिना बताए गए, इसीलिए हाँ अच्छा। बेस्ट ऑफ लक और बाय।
सभी अगर वीडियो देख रही है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और मैं अभी भी गुस्सा हूँ, यहाँ पे जब आके बैठा हूँ समझ जाना कि बाहर कस्टमर है, मगर आज मैं यहाँ पे आके इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि आज मेरे को बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि मैं आज ब्लॉग क्या करूँगा। एक्चुअली सर दर्द कर रहा है मेरा, गला दर्द नहीं कर रहा, गला था भाई ये तो। सोचा नाश्ता करूँ, पहले सोचा दही खाओ उससे थोड़ा रिलैक्सिंग होगा, दही एक कटोरा खाया रिलैक्स नहीं हुआ, अभी ये खा रहा हूँ। मेन का आखिर में आज अपना डाइट तोड़ने रेडी हो चुकी है, तेरे को मैं अपने हाथों से पराठा खिलाता हूँ सच्ची में। सच्ची में बोल रहा हूँ, आप लोग में से बहुत से लोग है ना वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा आपको देखना क्या है भाई, बताओ मेरे को देखना क्या है। Few moments later. मेरे स्वामी जी आज शॉप में सो के उठे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। किड़किड़ होती है, ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, बहुत नींद आ रही, नींद इसीलिए आ रही है कि मेरा सर दुख रहा है, सुबह उठने के बाद से लेके अभी तक सर ही दुख रहा था, सोने के लिए नहीं गया था मैं लेट नहीं गया था, मैंने दिल को ऐसा किया ऐसा जादू तो दिल एकदम ऐसा रेस्ट करा। एक काम अच्छा हो गया कि मैं थोड़ा नींद मार लिया, मेरा 15 मिनट ही सोया रहूंगा, सोया सोया क्या बोल रहे, 15 मिनट के ऊपर सोया था मैं, 15 मिनट मम्मी से 20 मिनट बात की, शॉप में खुद बैठ के मम्मी से 20 मिनट बात कर सकती है, मैं 15 मिनट सो नहीं सकता, ये कैसे चलेगा। आज शॉप में नाइट है, ऑर्डर थोड़ा ज्यादा है तो शॉप में थोड़ा नाइट वाइट मारेंगे, मेनका ने अपना व्रत तोड़ दिया है डाइट का, अभी तक एक बिस्किट ही खाया है मैंने, बस एक बिस्किट खा लिया और 10 बिस्किट खा लिए, एक ही बात है। वो तो मेरे को एकदम ऐसा वीकनेस हो रहा था, क्या करूँगा तब तो मैंने इसलिए खाया। मेरे को आज सुबह से मन कर रहा था कि एक प्लेट मोमो खाओ, दो दिन से मन कर रहा है पेस्ट्री खाओ, तीन दिन से मन कर रहा है एक केक खाओ, खा रहा हूँ पूरा ये लिस्ट लगा दो 18। आज शेविंग में थोड़ा सा अच्छा शेप दिया क्योंकि उसको बोला बैठ के भाई ऐसे ऐसा कर ऐसे ऐसा कर, वरना सेम ओल्ड स्टाइल में उन लोग कटिंग करते हैं और फिर बोलते हैं कि इतना ही होता है यहाँ पे। अच्छा दिख रहा ना आज, दुकानें वकानें सब बंद हो गए, अभी खाने का इंतजाम करना पड़ेगा यहाँ पे, वरना खाना नहीं मिला अगर तो आज तो लग गए, क्योंकि यहाँ पे 8-8 बजे सब बंद हो जाता है, देखो ना बाहर दिखा था आपको, ये दिख रहा है सब बंद हो गया, ये बंद है, नीचे बंद है, वो बंद है, बस हम लोग आज लगा रहे हैं नाइट क्योंकि हमारा काम है पेंडिंग, बाहर जाते कुछ खाने को ढूंढते हैं, भूख लग रही नहीं है, भूख लगेगी। बजरंग बली की जय। नेपाल में रात में खाने के लिए कुछ ढूंढने का मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं यार, कितना भी ढूंढ लो कितना भी ढूंढो, अभी बहुत मुश्किल से एक शॉप मिला, सॉसेज खा के आए हम लोग, वहाँ पे शूट करने जैसा भी कुछ नहीं था इसलिए शूट नहीं किया, मगर मास्टर जी के लिए खाना मिल गया। रात में बहुत दिक्कत है यार, ये चीज़ में मेरे को बॉम्बे बहुत याद आता है, सच्ची में सच्ची में। मास्टर जी फ्राइड राइस कैसे है बताओ, अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। खाओ तो सही पहले। बिना काहे बोल रहे मास्टर जी, तो अच्छा है, यूट्यूबर लोग की संगत कहाँ से रही है, सब चीज को अच्छा ही बोलना पड़ता है। अच्छा लग रहा है तो खाने में भी तो अच्छा लगेगा। जितना मैकबुक को संभाल के मैं रखता हूँ उतना तो मैं किसी को संभाल के नहीं रखता। नहीं नहीं सोचो, आप मैकबुक पे इतना संभालते तो मेरे को कितना संभालोगे। हाँ सोचो, खाली बैठ के फायदा नहीं है, थोड़ा बहुत काम भी निपटाते हैं, और सोच रहा हूँ एक एपिसोड भी आया है मून नाइट का, वो भी देख लूँ क्योंकि अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 घंटे हैं, अभी 10 ही बज रहे हैं। 5 minutes later अच्छा चालू सेकेंड एपिसोड, हाँ मून नाइट का मस्त था, मजा आ गई। टाइम हो रहा है 2:15, शॉप को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है, इस टाइम पे तो घर पे भी नहीं जा सकते हम लोग यार, घर पे जा सकते हैं मतलब अभी फिलहाल घर पे नहीं जाएंगे, फिलहाल कहीं दूसरे के जाने वाले, जाकर आराम से कपड़ा निकाल कर सोएंगे, आराम से कपड़ा निकाल के सोएंगे 10 बजे। पूछा किसने कपड़ा निकाल के सोएंगे कि नहीं। चलो भाई 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 शॉप बाय बाय, पूरा रोड खाली है यार, आराम से चलो आराम से चलो 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 चलो। काठमांडू का रोड रात को देखने लायक था, फुल एम्प्टी, एकदम एम्प्टी। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जगह सिमिलर लगती होगी, थोड़े दिन पहले आपने ये जगह ब्लॉग में देखी थी, हम लोग है विकास शर्मा बंजाड़ी के घर पे, यहाँ पे कल रात को आ गए थे, छोटा पहली बार सुना यार मैं भी, क्या है छोटा दशहरा, चैत्य दशहरा नेपाल में ना इसको छोटा दशहरा बोलते हैं, छोटा दशहरा बोलते हैं इसको, रामनवमी इंडिया में कल है और ये नेपाल में आज है,
कल था आज दस पता नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन है, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे हमको इनवाइट किया था कल रात को, अब कल रात को तो बहुत लेट हो गया था ना वहाँ से, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहीं पे आ गए। नहीं तो घर पे जाके आते ना तो बहुत लेट हो जाता, सुबह सुबह आते आते। टीका टीका वीका लगा रहे हम लोग को जरा, विकास शर्मा बन जाड़े यार, विकास शर्मा बन जाड़े। अच्छा मैं टीका लगा रहा हूँ मेरी बहन और मेरे जॉय साहब को, मतलब जीजा जी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो विकी दादा को कैसा टीका लगाना आता है, जिंदगी में पहली बार। नए नए इसके लिए इज्जत हुई ना। नहीं नहीं हमेशा होगा ये तो। हाँ सही में आप तो हमारे सदा स्वागत रहना। विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। मैं बड़ा बैग लेके आती ना आज। नमस्ते नमस्ते। भाग्य मनी हूँ भाई। कल्चर है यहाँ कल्चर। श्रीमती लड़की का लाभ है, श्रीमती ले पैसा दे रहे खुट्टा डोगन पड़ते हैं। श्रीमान ला श्रीमान पैसा देने आए हो। हाँ खुट्टा खुट्टा। खुट्टा तुम क्यों नहीं लगा रहे हो टीका? हम लोग हो गया, हम लोग ने ना हम लोग टीका लगाने के लिए आए, लगवाने के लिए। ये सब है ना पैसा कमाने का नाटक है, मेहनत कर रही है। रात को बोल रही थी पैसा भी मिलेगा जाते हैं। मस्ती कर रहा हूँ मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा मन में तो आता रहेगा इसके। पाप लग गया था मेरा साथ छोड़ के, तूने खाई तो बाबा मेरे चावल खा रही है यार, वो भी मेरे सामने खाएगी। मैं ये कल अपना शीट दे देखो। हाँ। ये क्या है, ये क्या है आटो मतलब उसका होता है, मक्के का होता है, मीठा होता है, ये बहुत हेल्दी है। हाँ। वाइट राइस के कंपैरिजन हम राइस में खाएंगे। अच्छा बने मीठा नहीं है। अच्छा मिट्टू था मिट्टू। हाँ पहले ना बोलते थे मीठा है मीठा है कि मीठा है, मैं बोला मीठा तो नहीं है। अच्छा है एकदम गांव का जैसा टेस्ट है। हाँ अच्छा है ना। अच्छा बना है अच्छा बना है।